नमस्कार, मेरा नाम आदित्य राज पाठक है और मैं हाईबॉक्स इंडिया से बात कर रहा हूँ जी। आपका पूरा नाम क्या हुआ? सर पूरा नाम मेरा शिवराज। ओके, और कहाँ से रहने वाले हैं आप? सर मैं तो बिहार से हूँ बेसिकली, बट हैदराबाद आप हैदराबाद में रहते हो? ओके, तो आपको सबसे पहले हाईबॉक्स एप्लीकेशन के बारे में पता कहाँ से चला था? सर वो मीशू तिवारी का फर्स्ट वीडियो जो आया था ना, हाँ जी। उसी से मैंने इंस्टॉल किया था, उन्हीं के लिंक से किया था इंस्टॉल। फोर अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको हाईबॉक्स यूज करते हुए? अच्छा, मंथ 4 to 5 months 4-5 साल जनवरी हो में गए। उनका वीडियो आया था फर्स्ट कॉलर वीडियो। ओके ओके, तो आपने अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है हाईबॉक्स एप्लीकेशन में? सर इन्वेस्टमेंट तो अराउंड 90K, बट ठीक है, अभी हो गया 1,40,000। 1,40,000 एक्सक्लूडिंग 90K और 90K के साथ मिला के आपका 1,40,000 हुआ है। नहीं 90K के साथ 1,40,000 ओके, और आप अभी कौन से वीआईपी लेवल पे हो? VIP में 3 पे हो सर। वीआईपी लेवल 3 पे हो। और कितने सारे रेफरीज हैं आपके अंदर जुड़े हुए? मेरे तो सर 38 ही है, बट जितनों को मैं रेफर किया हूँ ना, हाँ जी। उन्होंने ज्यादा ज्यादा अमाउंट वो इन्वेस्ट किया है। ओके, तो आपको जो उन्होंने, जैसे आपके रेफरीज ने जब इन्वेस्ट किया है, तो आपको उनके साइड से कितना ज्यादा स्पेंडिंग रिवॉर्ड्स मिलता है? वो तो अराउंड सर 1,700 पर डे मिल जाता है, 1,700 to 1,800, कितना कितना? 1,700 to 1,800 सर। ओके, आपको पर डे। बिकॉज मैंने जितनों को सर इन्वेस्ट कराया है ना, और मैंने जितनों को समझाया, वो मिनिमम 50K to 3 lakh तक ही इन्वेस्ट किया उन्होंने। ओके, तो आपके डायरेक्ट रेफरीज ने इतना इतना इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, वैसे आपका भी आवाज थोड़ा ग्लिच हो रहा था। आप स्पेंडिंग रिवॉर्ड्स आपको कितना आ रहा है, एक बार आप फिर से बताएंगे? 1,700 आ रहा है, 1,700 to 1,800 ओके, आपको पर डे इतना आ जाता है, पर डे। तो मतलब एक्चुअल आप, क्या है ना सर, मैं जब बॉक्स भी अगर रिसेल नहीं ना करूँ, हाँ जी, मंथली का वो हो जाए, वो जो स्पेंडिंग रिवॉर्ड आता है, मैं उससे भी बॉक्स परचेस कर लेता हूँ, उससे भी मिनिमम मेरे को 60K उसी से आ जाता है, वही है उतना जी। कोई टेंशन मतलब लेना ही नहीं आपके पड़ता। इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपको स्पेंडिंग रिवॉर्ड से प्रॉफिट जनरेट हो जा रहा है। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि आपको हमारे एप्लीकेशन में दो ऑप्शंस हैं, एक रीसेल वाला ऑप्शन है और दूसरा रेफरल वाला ऑप्शन है। तो मेरा ये नेक्स्ट सवाल यही है कि आपको रीसेल वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर रेफर करना ज्यादा सही लग रहा है? मतलब दोनों से, आप दोनों में से किससे ज्यादा प्रॉफिट है? हाँ दोनों सही अपने जगह पे, बट जी, रीसेल वाला किसके लिए सही है? रीसेल वाला जिसके लिए सही है, क्योंकि वो रेफर नहीं कर सकता, वो रीसेल से अर्न कर सकता है। बट बिल्कुल मेरा क्या है ना सर, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं दोनों कर सकता हूँ, बिल्कुल सही बात। तो मेरे को तो सर दोनों सही लगा। बिकॉज मैंने जितना विड्रॉल किया उसको फिर से मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में रख के क्या ही मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही उसको मैं कहा हाईवे आपने। कर दिया। हाँ और जी, बहुत लोग का सोचना ये भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जब मैं रेफर करता हूँ, तो ये क्या फ्रॉड ऐप है, ये रहस्य, उनके लिए भी मेरा आंसर से वैसा ही रहता है, बोलते हैं मार्केट में ऐसा बहुत सारा ऐप आ चुका है, तो मैं कैसे प्रूफ करूँ, मतलब मैं कैसे विश्वास करूँ कि ये मतलब जेन्युइन ऐप है। तो मैंने उनसे बस दो ही तीन पॉइंट, ज्यादा नहीं, दो ही तीन पॉइंट बोला कि मार्केट में तो ऐसे ऐप आए हैं, वो क्या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है? नहीं ना। वो क्या आपको उनका आइडेंटिटी प्रूफ पता है? नहीं ना। उनका ऑफिस है? नहीं ना। ये सब आईबॉक्स का है, आप इन्वेस्ट करो, आपको मैं सारा चीज बताता हूँ, बस वही से उनको ट्रस्ट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने काफी मुंहतोड़ जवाब दिया है। जितने भी लोग अफवाह फैलाते हैं और जो नेगेटिव कमेंट्स फैला रहे हैं आजकल, तो आपने बिल्कुल ही सही बात आजकल बोली। तो सर बहुत ज्यादा हो गए हैं, हाँ जी, बहुत ज्यादा, पता नहीं नेगेटिव क्या हो रहा है, बिल्कुल, बट बट उनसे वही है क्या ना, जो लेना जो बंदा यूज कर रहा है हाईबॉक्स और जो डेली अर्न कर रहा है, उसे तो पता है कि कितना प्रॉफिट है। तो जितने भी न्यू यूजर्स देना। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो हमारा हाईबॉक्स के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस देखेंगे, इस वीडियोस के मदद से ही उन्हें पता चलेगा कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है। तो काफी वही काफी अच्छा लगा। आपका भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है मैं देख के। और आपने अभी तक विड्रॉ कितना कर लिया है हाईबॉक्स से? सर, मेरा क्या है ना, मैं एक बार जनवरी में मेरे साथ क्या हुआ था ना, कि मैं 300 का बॉक्स परचेज किया था फर्स्ट हाँ पे, जी, हाँ तो उससे मैं 600 या 500 इन्वेस्ट किया था, जी, 500 इन्वेस्ट किया था, 100 बिगनर रिवॉर्ड मिला था। हाँ जी, देन 600 का जब मैं विदड्रॉ किया तो वो ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा था, ठीक है, तो मुझे हल्का सा डर लगा,
बेसिकली सबको लगेगा बिकॉज मैं भी न्यू यूजर हाँ था। जी हाँ जी तो मैं कंपनी से बात किया, कस्टमर सपोर्ट से बात किया, तो उन्होंने मेरा मैनुअल केवाईसी कर दिया। मैनुअल केवाईसी किया, देन मैं बैंक अकाउंट ऐड कर रखा, उसमें भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ। बट मैं सोचा चलो वो तो हो ही जाएगा, तब तक मैं रिसेल करता हूँ, रिसेल करता हूँ। हाँ जी हाँ जी एक रात को मैं बैठा था ऐसे ही नॉर्मली, मैं कर रहा था ठीक है, अपना बैंक अकाउंट डाल रहा था, वो ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो गया। ड्यू टू सम ग्लिच हो रहा होगा ऐप में, वो तो मुझे पता नहीं, बट हो गया। तो फिर मैंने विड्रॉ किया 500 का, देन विड्रॉ किया 20K का, देन विड्रॉ किया 7K का। उसके बाद मैं अभी विड्रॉ नहीं किया बिकॉज मेरे को अभी थोड़ा कुछ टारगेट अचीव करना है। तो हाँ मैं जी सोच रहा हूँ जुलाई अगर वो मैं विड्रॉ करूंगा बिग अमाउंट। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने विड्रॉ किया और आपका अमाउंट आया भी, और अभी आप चाहते हैं कि और इसमें इन्वेस्ट करना और आगे इसमें अचीव करना गोल। तो आपको बहुत आपको हाईबॉक्स एप्लीकेशन के बारे में सबसे बेस्ट यूएसपी क्या लगा इस एप्लीकेशन का एज कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशंस? मुझे अच्छा लगा एक्चुअल पे ना, कस्टमर सपोर्ट है सर इसका। हाँ जी अब एक टाइम मेरे रेफरी का बैंक अकाउंट में जो वो विड्रॉ किया तो उसका पैसा कंप्लीट हो गया, बट बाई कुछ रीजन से नहीं गया, ग्लिच के कारण नहीं गया। तो मैं कस्टमर सपोर्ट से कॉल किया उनके बिहाफ में, अपने रेफरी के बिहाफ में, हाँ जी हाँ उन्होंने उसके बैंक से बात किया कि आपके बैंक में मतलब क्यों नहीं पैसा गया। तो बैंक वालों ने फिर ड्यू टू सम ग्लिच उन्होंने पैसा उसके अकाउंट में डाला। तो ये मेरे को उस दिन से बहुत अच्छा लगा, क्या मैं बोलूं, इतना कौन करता है। बिल्कुल मान के चलिए मैं इन्वेस्ट किया हुआ तो कंपनी का है, बट कंपनी इतना सपोर्ट कर रही है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी हाईबॉक्स में दो नए अपडेट्स आए हैं, एक डेली साइन इन रिवॉर्ड है और एक मंथली रिवॉर्ड है। तो इसके बारे में आपको पता चला? तो जो डेली साइन इन रिवॉर्ड है उसमें आपने देखा होगा कि विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट, एक्स्ट्रा विदाउट इन्वेस्ट किए, आपको डेली 3 दिन में आपको 10 रुपए और मंथ एंड एंड तक 28 दिन में आपको 240 रुपए तक का प्रॉफिट ऐसे ही हो रहा है। तो आपको कैसा लगा ये अपडेट? बहुत अच्छा है सर। एक्चुअल क्या इस पे भी बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं ना कि हाईबॉक्स इतना प्रॉफिट क्यों दे रहा है, क्यों मतलब क्यों दे रहा है, ये भागने वाला है ऐसे वैसे। मैं बोला कि तुम न्यू यूजर हो, सितंबर में तुम जितना हाईबॉक्स रिवॉर्ड देता था उतना ही दे रहा है फिर से न्यू अपडेट में। सितंबर में भी तो 20K स्पेंड पे 200 मिलता था, एग्जैक्टली इतने स्पेंड उतना मिलता था पुराने अपडेट में, बट न्यू अपडेट में वो सब चेंज हुआ है, वो इस अपडेट में आया। तो इसमें क्या कोई लॉजिक ही नहीं है कि भागेगा, प्रॉफिट दे रहा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, प्रॉफिट और दे रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सूरज जी, और जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे एक्चुअली हैं, सर मेरा नाम शिवा है, बट ड्यू टू सम रीजन वो जीमेल मेरे को मिल नहीं पाया, देन वो जो था फोन में मैं यूज कर लिया। अच्छा, तो जितने भी ये दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ वर्चुअल इंटरव्यूज में जुड़ना, और आप भी अगर चाहते हैं कि आपके साथ हम वर्चुअल इंटरव्यू लें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं जिसके थ्रू हम आप तक कॉन्टैक्ट कर पाएं और आपके साथ इंटरव्यू ले सकें। ठीक है सूरज जी, थैंक बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।